ओके यहाँ पे जो है किंग कहते हैं कि चलिए एक डिस्कशन करते हैं, लेट अस हैव अ डिस्कशन. इफ द स्कॉलर्स हैव ऑब्जेक्शन विथ हर सो दे कैन डिबेट विथ हर एंड इफ शी लूज सो शी विल शी हैव टू वॉक फ्रॉम दिस कॉन्फ्रेंस रूम और एंड इफ शी विंस और अगर वो जीतती हैं तो क्या होगा, शी कैन ज्वाइन द पैनल. और अगर वो जीतती हैं तो उनको ये पैनल ज्वाइन कर सकती हैं वो. और अगर वो हारती हैं जैसे कि मैंने पहले स्टेटमेंट में कहा था, तो यहाँ से उनको इस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर जाना पड़ेगा. नाउ बहुत सारे स्कॉलर्स को ये सॉल्यूशन बहुत पसंद आया, ठीक है. मोस्ट ऑफ देम लाइक दिस सॉल्यूशन, राइट. दे वेयर श्योर दैट द गर्ल विल बी ह्यूमिलिएटेड बाय द स्कॉलर्स. वो ये जानते थे कि यहाँ जो है गर्ल को एक बहुत बड़े डिसरिस्पेक्ट का सामना करना पड़ेगा, उसे ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ेगा. द स्कॉलर्स ऑन द डायस डिस्कस्ड अमंग देमसेल्व्स एंड सिलेक्टेड एन एल्डरली स्कॉलर एज देयर रिप्रेजेंटेटिव. वहाँ पे जितने भी स्कॉलर्स थे है ना, so they selected one elderly scholar from themselves to discuss with her, right. तो यहाँ पे discussion start होता है क्योंकि यहाँ पे एक elderly scholar को नियुक्त कर लिया गया है. so by joining the discussion what you want to prove that women are better than men as the elderly scholar. तो elderly scholar ने कहाँ से शुरू किया, उन्होंने कोई एक अच्छा topic ना लेते हुए एक उनके फेमिनिस्ट होने पे क्वेश्चन मार्क लगाते हुए कहा कि आप प्रूफ क्या करना चाहती हैं, ये कि जो लेडी हैं शी कि जो लेडी हैं वो दे आर बेटर देन मेन, इस तरीके से आप कहना चाहती हैं. तो इसके आंसर में जो गर्ल है वो बहुत ही पोलाइटली कहती है कि नो सर आई डोंट वांट टू प्रूव सच काइंड ऑफ थिंग, आई एम हियर जस्ट टू जॉइन द डिस्कशन टू क्वेंच माय थर्स्ट ऑफ नॉलेज. क्वेंच मतलब टू सेटिस्फाई माय थर्स्ट, मतलब मेरी नॉलेज की जो प्यास है, मेरी जो क्यूरियोसिटी है नॉलेज गेन करने के लिए, उसको मैं सेटिस्फाई करने के लिए बस यहाँ हूँ. लाइक ऑल ऑफ यू, जैसे कि आप सब इसी पर्पज़ के लिए यहाँ हैं, सेम उसी रीज़न से मैं भी यहाँ पे हूँ. तो ये जो चीज़ें उन्होंने कही थी बहुत पोलाइटली कही थी, साथ ही साथ बहुत ही फियरलेसली कही थी, कहीं भी वो डरी नहीं थी. बट ग्रेटर नॉलेज इज नॉट फॉर वुमेन सेड द एल्डरली स्कॉलर. एल्डरली स्कॉलर कहते हैं कि यू नो ये जो इतना बड़ा नॉलेज है और बहुत सारा ज्ञान है, दिस इज नॉट मेंट फॉर वुमेन, दिस इज ओनली मेंट फॉर मैन. तुमको ये पता है? ये जब गर्ल ने सुना तो उसने किस तरीके का आंसर किया और क्या उसके इमोशन सामने आए, आइए देखते हैं और आगे स्टोरी में जानने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे वो लड़की कहती आई बिग योर पार्डन सर बट वाई, आज द गर्ल वो इस क्वेश्चन से पूरी तरीके से अनसेटिस्फाइड थी कि ऐसा क्यों है, उनको ऐसा क्यों लगता है कि विमेंस इंटेलेक्ट आर वीकर देन मैन, राइट. वो इस क्वेश्चन से पूरी तरह से अनसेटिस्फाइड थी. तो ये पूछना चाहती हैं कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि आई बेग योर पार्डन का मतलब है मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए कि ऐसा क्यों है करके. तो यहाँ पे इसका आंसर देते हुए रिप्लाई करते हुए वो एल्डरली स्कॉलर कहते हैं जस्ट बिकॉज फीमेल इंटेलेक्ट इज वीकर देन मैन सेड द एल्डरली स्कॉलर. वो जस्ट एक स्टेटमेंट कहते हैं जस्ट बिकॉज वी नो दैट फीमेल का इंटेलेक्ट जो होता है इट इज़ वीकर देन मैन. तो यहाँ पे एक बहुत ही ह्यूमरस क्वेश्चन जो है वो लड़की पूछती है कि हु से सर दिस, ये किसने कहा है. तो यहाँ पे वहाँ जो एल्डरली स्कॉलर हैं वो कहते हैं इट इज़ रिटन इन हिम्स, ये कहाँ उन श्लोकों में लिखा हुआ है. ओके सो द हिम्स वेयर रिटन बाय अवर फोर फादर्स सेड द एल्डरली स्कॉलर. और उसमें वो ओके तो ये कहने के बाद कि इट इज़ रिटन इन द हिम्स, कि ये हिम्स में लिखा हुआ है, लड़की अगेन पूछती है कि मैं Can I ask you some question that who wrote this hymns और ये hymns किसने लिखे हैं. तो यहाँ reply करते हुए elderly scholar कहते हैं the hymns were written by our forefathers, जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने ये hymns को लिखा है. Yes of course by forefathers you mean male ancestors said the
गर्ल अगेन, तो यहाँ पे बात आती है बाय फोर फादर्स यू मीन द मेल एंसेस्टर्स। तो यहाँ पे बच्ची कहना चाह रही है कि फोर फादर का मीनिंग ये है कि आप कहना चाहते हैं जो हमारे मेल एंसेस्टर्स थे, या हमारे जो मेल या पुरुष प्रजाति के जितने भी पूर्वज थे उन्होंने, आप उनके बारे में कह रहे हैं, बहुत ही पोलाइटली पूछते हैं। तो उसके जवाब में एल्डरली स्कॉलर कहते हैं येस ऑफ कोर्स बाय अवर मेल एंसेस्टर्स, हाँ बिल्कुल हमारे मेल एंसेस्टर्स ने ये हिम्स में लिखा है। सो हाउ डिड योर फोर फादर्स नो दैट द वुमेन हैव अ वीकर इंटेलेक्ट, यहाँ पे अगैन वो क्वेश्चन पूछती है कि आपके या हमारे जो मेल एंसेस्टर्स ने कैसे जाना या उन्होंने कैसे जज किया कि जो फीमेल का है वो इंटेलेक्ट मेल की अपेक्षा कम होता है। दे नोटिस सेट द एल्डरली नो स्कॉलर इरिटेटेड, यहाँ पे उनके क्वेश्चंस को सुन सुन के, उस गर्ल के क्वेश्चंस को, उसकी क्यूरियोसिटी को, उसके क्वेश्चनिंग पावर को सुन सुन के जो एल्डरली स्कॉलर थे वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड हो गए थे, फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, और वो छिड़ते हुए कहते हैं दे नोटिस, उन्होंने नोटिस किया था। तो अगेन एक क्वेश्चन आता है लड़की की तरफ से, बट हाउ माय लॉर्ड, मेरे प्रभु प्लीज़ बताने का कष्ट कीजिए, प्लीज़ हेल्प मी आउट कि हाउ दे लर्न, कैसे उन्होंने जाना करके, गिव मी एन एग्जाम्पल, मुझे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए हाउ डिड दे नोटिस, उन्होंने कैसे नोटिस किया। अगेन दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय द गर्ल, ओके। तो यहाँ पे एल्डरली स्कॉलर बोलता है आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं है, राइट, मैं नहीं बता पाऊँगा, अभी मुझे याद नहीं है। तो वो कहती है डजंट मैटर, इट्स ओके, वाई डोंट एनी ऑफ यू स्कॉलर्स आस्क मी क्वेश्चन टू प्रूव मी वीकर इंटेलेक्ट। वो अगेन सबको चैलेंज करती है और कहती है ठीक है, एल्डरली स्कॉलर कह रहे हैं कि उनको ये कहाँ लिखा है, किसने लिखा है ये याद नहीं है, इट्स ओके, बट उनके हिसाब से उनके जो मेल एंसेस्टर्स हैं उन्होंने कहा है हिम्स में कि जो फीमेल का इंटेलेक्ट होता है दैट इज़ वीकर देन द मेल इंटेलेक्ट, राइट, ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अगेन ये प्रूफ अभी नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप लोग एक काम करिए, जितने भी स्कॉलर्स पैनल में बैठे हैं यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस इफ़ यू वांट, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं उन क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाती हूँ तो प्लीज़ मैं मान जाऊँगी कि माय इंटेलेक्ट इज़ वीकर देन ऑल ऑफ यू, राइट। मैनी आफ्टर लिसनिंग दिस स्टेटमेंट मैनी ऑफ द स्कॉलर्स were thinking about to ask few questions to the girl, but feared seeing his immense confidence. यहाँ पे बात आती है कि बहुत सारे जितने भी scholars थे वो चाहते थे कि वो कितनी इस बच्ची से कितने questions करें और उसको और उसके intellect को weaker हैं वो सिद्ध कर दे, ठीक है, प्रूव कर दे कि नहीं she is having a weaker intellect than us. But still they were not that confident so that they can do. Or why they are not confident? Just because by looking at her immense confidence, उसकी जो high level confidence को देख करके जो है उन male scholars में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उससे questions कर सके। आइए देखते हैं ये story का end part है, last में story में होता क्या है और क्या चीज़ें आपके सामने आती हैं। सो ये सब सुनने के बाद अब क्या होता है आगे स्टोरी में देखते हैं। आपने देखा कि अभी तक जो मेनी ऑफ द स्कॉलर्स थॉट ऑफ आस्किंग हर क्वेश्चन, बट बाय लुकिंग हर इमेंस कॉन्फिडेंस दे वर नॉट रेडी टू आस्क हर द क्वेश्चन, राइट। सो यहाँ पे जो एल्डरली स्कॉलर था वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड ही शाउटेड ऑन हर एंड सेड यू आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, राइट। वो पूछते हैं, बोलते हैं बहुत ही गुस्सा कर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम बहुत सारे सवाल पूछती हो लड़की। द एटमोसफियर वॉज टेंस, यहाँ पे जो एटमोसफियर था पूरी तरीके से टेंस हो चुका था, राइट। यहाँ पे अगेन किंग इंटरफेयर करते हैं एंड द किंग सेज कि सर प्लीज़ आंसर हर, है ना, कि प्लीज़ उसके क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वाई इज़ अ फीमेल इंटेलेक्ट इज़ वीकर देन अ मेल, कि एक फीमेल की बौद्धिक क्षमता एक मेल से कम क्यों है, इसे आप बताइए प्लीज़। तो यहाँ पे जो
एल्डरली स्कॉलर है वो अपलाइट होकर कहते हैं कि सर आई नीड टू स्टडी एंड टू कम अप विथ एग्जाम्पल. तो वो कहते हैं कि सर मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और इसके बाद मैं एक एग्जाम्पल के साथ आऊँगा और इस लड़की को प्रूफ करके दिखाऊँगा दैट शी इज़ हैविंग अ वीकर इंटेलेक्ट देन मैन, और ये हमारे हिम्स में लिखा हुआ है, राइट. तो ये सारी बातें होती हैं. अगेन किंग अब जो है वो पूरी तरीके से गर्ल के सपोर्ट में आ जाते हैं. नाउ द किंग इज इन सपोर्ट ऑफ गर्ल एंड ही सेड सो ओके देन आई कांट स्टॉप हर फ्रॉम जॉइनिंग द स्कॉलर्स पैनल. अब मैं इन्हें नहीं रोक सकता, राइट. शी हैज़ कम हियर ऑन हर ओन मेरिट्स. वो अपने आप को प्रूव करके आई हैं अपने एकेडमी में. उनकी एकेडमी ने अगर उनको भेजा है तो सम हाउ शी हैड प्रूव्ड हरसेल्फ, राइट. देन ओनली शी इज़ एबल टू हियर एंड सिट अमंग द होल मेल हियर, मेल स्कॉलर्स हियर. तो यहाँ पे बात हो रही है, किंग कह रहे हैं कि उसने अपने आप को अपनी एकेडमी में तभी प्रूव किया है, तभी वो यहाँ आ पाई हैं और इस पैनल में इतने पुरुषों के बीच अकेली महिला वो बैठी हुई हैं. अब ये किंग पूरी तरीके से गर्ल के सपोर्ट में है. पीपल वेयर स्टिल डाउटफुल अबाउट द गर्ल वर्दीनेस. यहाँ पे जो ऑडियंस थी एंड प्लस द स्कॉलर्स, मेल स्कॉलर्स सिटिंग देयर, दे वेयर डाउटफुल. वो पूरी तरीके से डाउटफुल थे कि इज़ द डिसीजन मेड बाय द किंग इज़ करेक्ट और नॉट, एंड इज़ द गर्ल is having the same worthiness the king is giving to her. क्या king जो है उसको value जो दे रहे हैं कि क्या उस value को वो लड़की जो है deserve करती है. अभी भी सबके मन में बहुत सारे doubts थे, but as the discussion proceed all doubts vanished. but जैसे ही उस conference में discussion चालू हुआ, conference शुरू हुआ, अलग अलग topics पे discussion चलने लगे, all the doubts were vanished because that girl proved herself that she is the brightest student of her academy, not only of her academy but still among the male scholar she is the brightest one, just because of her presentation, examples and the thought she is having, right. They were wonderful, right, and they are different and somehow they were logical. Okay. Days passed, दिन बीतते गए. The girl took part in several discussions. उस girl ने बहुत सारे discussions में part लिया. Asked many questions, उसने बहुत सारे questions पूछे and answered of many others. और उसे ऐसे कई question पूछे गए ताकि कभी ना कभी ये प्रूव किया जा सके कि उसका जो इंटेलेक्ट है वो कहीं ना कहीं मेल के इंटेलेक्ट से कम है. तो वहाँ पे वो उसको प्रूव नहीं कर पाया और उसके जो लॉजिकल आंसर से सारे लोग सरप्राइज थे कि हाउ अ फीमेल इंटेलेक्ट इज़ मच बेटर देन द मेल इंटेलेक्ट. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अ गर्ल हैज़ प्रेजेंटेड हर इंटेलेक्ट अमंग द मेल इंटेलेक्ट. ओके सो अदर स्कॉलर्स वेयर एस्टोनिश्ड बाय हर ब्रिलियंस. तो जितने भी स्कॉलर्स थे वो सरप्राइज थे, वो अचंभित थे उसके ब्रिलियंस से कि हाउ ब्रिलियंट शी वॉज, वो कितनी ब्रिलियंट थी, राइट. वेन द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द बुक वॉज कंपाइल्ड मेनी हिम्स विच वेयर कंपोज्ड बाय द गर्ल वेयर इंक्लूडेड. तो जब फाइनल बुक बनी थी जिस पर्पज़ के लिए इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था, तो वो ऑब्जेक्टिव था या जो गोल था वो पूरा हो चुका था और वो फाइनली बुक बन चुकी थी, राइट. और उस बुक में उस गर्ल के द्वारा कंपोज किए गए बहुत सारे हिम्स को इंक्लूड किया गया था. इसके बाद नोबडी नोज दैट फॉर श्योर व्हाट हैपेंड टू गर्ल आफ्टर. किसी को नहीं पता था कि बाद में उस गर्ल का क्या हुआ. सम से शी कंस्ट्रक्टेड अ बुक ऑफ हर ओन हिम्स, सम से शी ओपन एन अकेडमी ऑफ गर्ल्स. डिफरेंट पीपल डिफरेंट स्टोरीज, बट everybody agrees that the girl who asked why became the first female scholar. तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि
कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने अपनी एक बुक बनाई जिसमें उन्होंने खुद अपने बहुत सारे हिम्स लिखे, कुछ का कहना ये था कि उसने खुद का अपने अकेडमी जो गर्ल्स के लिए स्पेशली ओपन किया कि गर्ल्स को उतना इम्पोर्टेंस मिले, वैल्यू मिले। तो जितनी मुंह उतनी बातों को हम कहते हैं, डिफरेंट पीपल डिफरेंट स्टोरीज। तो यहाँ पे बट एवरीबडी एग्रीज कि सब वहाँ एग्री कर रहे थे कि वो जो लड़की द गर्ल दैट who asked why became the first female scholar. Okay, so this story is written by Shawn Mehta and she wrote her first story at the age of 11. The girl who asked why is one of the stories of a book named A Tale of Fairy Tale and Other Stories. So after the explanation of this lesson, let's come towards the word meaning and try to understand the different word meanings related to this lesson. Word meanings on your screen. First word meaning, relevant. Relevant की ऐसे मैंने आपको बताया था कि connected with the subject being discussed. मतलब जिस subject के बारे में हम बात कर रहे हैं वो authentic हो या प्रासंगिक हो, right? उसके बाद है off limit. Off limit या not allowed. So that girl was not allowed to sit among the male scholars. Okay, next word meaning grandeur. Grandeur means grand and beautiful. So conference room kaisa tha? Grand and beautiful. Preposterous. Preposterous maine at the time of explanation bhi aapko samjhaya tha ki कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल, कि जिसको माना ही नहीं जा सकता, पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया था. ओके, हिम्स का मतलब होता है सॉन्ग ऑफ प्रेज, यूजुअली ऑफ गॉड. जो प्रेयर्स हम भगवान के लिए कहते हैं या गाते हैं, दैट प्रेयर्स आर कॉल्ड हिम्स. ओके, पैनल जो होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू मेक डिसीजन, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पैनल, यानी एक समूह लोगों का जो कि किसी मुद्दे पर किसी भी तरीके का डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उसे हम पैनल कहते हैं. ओके, एस्टोनिश्ड. एस्टोनिश्ड का मतलब होता है वेरी मच सरप्राइज, बहुत ज़्यादा जो है सरप्राइज होना. ओके, अब वर्ड मीनिंग के बाद आइए चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में और देखते हैं कि आपके बुक के कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या चीज़ें हैं. लेट्स चेक आउट. तो यहाँ पे आप फर्स्ट देखते हैं कि टिक द करेक्ट ऑप्शन है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज या, पहले हम क्या करेंगे, आई विल रीड द क्वेश्चन, देन आई विल एक्सप्लेन इट इन हिंदी. ओके, और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, एक एक करके सारे ऑप्शंस को रीड करूँगी, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ इट. ओके, द गर्ल डिड नॉट एग्री टू हर मदर्स व्यू दैट गर्ल शुड लर्न टू कुक, डू हाउसहोल्ड चोरस और मैरी टू एस और मैरी एट अ सर्टेन एज. तो गर्ल जो थी वो किस बात से डिसएग्री कर रही थी, क्योंकि दो पहले बातें हुई थी, जब उनकी माँ ने कहा था कि बेटा आप जो है कुकिंग करना सीख लो, ठीक है, तब उस चीज़ के लिए वो रेडी हो गई थी. फिर उन्होंने कहा कि आप घर के काम करना सीख लो, फिर उस चीज़ के लिए भी कन्विंस्ड हुई थी क्योंकि माँ ने कहा था कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा. ओके, इस बात पे भी वो अग्री कर गई थी. बट जो थर्ड टाइम उनकी माँ ने कहा था, क्या कहा था, यस, उन्होंने कहा था कि मैरी एट अ सर्टेन एज, इस व्यू पर जो बच्ची थी या गर्ल थी शी वॉज टोटली डिसग्रीड, राइट. वो अपनी माँ से पूरी तरीके से उन्होंने डिसएग्री किया था कि माँ ये ज़रूरी नहीं है कि व्हाट द अदर गर्ल्स आर डूइंग आई विल डू द सेम थिंग. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड वन. सेकेंड वन से इज द पेरेंट्स बिलीव्ड दैट द गर्ल शुड मैरी. पेरेंट्स को बिलीव करते हैं कि गर्ल्स को मैरी करना चाहिए एट अ सर्टेन एज, एक निश्चित उम्र में, टू टेक केयर ऑफ हर हस्बैंड, ताकि वो अपने हस्बैंड की यानी पति की उनकी सेवा कर सके, उनका केयर कर सके, या कुक एंड डू हाउस होल्ड वर्क, या इसीलिए शादी कर लेनी चाहिए ताकि वो खाना बनाएं और घर के काम करें. तो अगर इस स्टोरी के हिसाब से देखें तो एट अ सर्टेन एज इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन सेज कि व्हेन द किंग अलाउड हर टू जॉइन द पैनल द ऑडियंस, है ना. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि किंग ने कब अलाउ किया पैनल को ज्वाइन करने के लिए, उस समय क्या हुआ. द ऑडियंस फेल्ट हैप्पी एंड चीयर्ड द किंग. जो ऑडियंस थी बहुत खुश हो गई थी और
किंग का बहुत ही अभिवादन किया, मतलब उनकी जो भी डिसीजन लिया गया था कि वो जो लड़की है वो पैनल में जुड़ सकती हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए थे हंसी हंसी? नो, बिल्कुल नहीं. वॉज नॉट श्योर ऑफ अ वर्दीनेस, वो उसकी वैल्यू को अभी भी उनके लिए डाउटफुल थी कि ये लड़की सही में इतनी वर्दी है कि इसको इतना रिस्पेक्ट मिले और उसको ये ऑर्डर मिल पाए या उसको अलाउ किया जाए इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने के लिए, या लेफ्ट द वेन्यू इन प्रोटेस्ट. या उन ऑडियंस ने क्या किया कि इसके अगेंस्ट में जाकर के उन्होंने उस ऑडियंस रूम को या उस कॉन्फ्रेंस को छोड़ के चले गए. तो बिल्कुल नहीं हुआ था ऐसा. हुई बात ये थी कि दे वर नॉट श्योर ऑफ अ वर्दीनेस, वो उसके वैल्यू को लेकर के थोड़े डाउटफुल थे, उसके वर्दीनेस को लेकर के थोड़ा डाउटफुल थे. ओके, सो दीज आर द थ्री, टिक द करेक्ट ऑप्शन. नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज. ओके, सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग आर द कमेंट्स मेड बाय द पीपल अबाउट द गर्ल. ठीक है, कुछ कमेंट्स दिए गए हैं जो कि उन ऑडियंस में जो लोग बैठे थे उन्होंने उस गर्ल के लिए दिए थे. पुट अ टिक ऑन द कमेंट दैट यू थिंक आर करेक्ट. आपको उन कमेंट पे टिक करना है जो कि आपको ऐसा लगता है कि सही, एंड पुट क्रॉस द रॉन्ग वंस, और जो गलत है उन पर गलत का निशान लगाना है. ठीक है, आगे देखते हैं और सेंटेंस को रीड करके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है. ओके, नाउ फर्स्ट सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन. शी वॉज वियरिंग प्रोवोकिंग क्लोज. उनका कहना था कि वो जो है बहुत ही ज़्यादा भड़काऊ कपड़े पहनी है. तो बिल्कुल सही बात है, शुरू में ही उसके कैरेक्टर को जज कर लिया गया था, उसको जज कर लिया गया था कि जस्ट बिकॉज ऑफ वियरिंग सच काइंड ऑफ क्लोज शी डजेंट बिलोंग टू अ रिस्पेक्टेड फैमिली, है ना? तो ये बिल्कुल बात सही है कि ये कमेंट उस पर आया था. तो यहाँ पर आपको एक प्यारा सा छोटा सा टिक मार्क लगाना है. ओके, मूविंग टुवर्ड सेकेंड सेंटेंस. सेकेंड सेंटेंस कहता है शी वॉज सिनिंग अगेंस्ट गॉड. तो यहाँ पे बात है कि वो जो है गॉड के लिए जो है पाप का काम कर रही थी. तो बिल्कुल ये बिल्कुल पाप का काम नहीं कर रही थी. एक्चुअली जब वो शामिल होने वाली थी तब लोगों ने कहा था कि अगर वो शामिल होती है तो ये भगवान के अगेंस्ट में जाएगा, है ना? उसको नहीं कहा गया कि शी वॉज सिनिंग अगेंस्ट द गॉड. तो यहाँ पे आपको क्रॉस का मार्क लगाना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में शी वॉज ऑफ गुड रेपिटेशन. तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस एकेडमी में वो स्टडी कर रही थी, नॉलेज गेन कर रही थी, वहाँ पे उसका जो रेपिटेशन था वो बहुत ही अच्छा था. तो वहाँ पे आपको एक प्यारा सा टिक लगाना है छोटा सा, राइट? ओके, नाउ फोर्थ स्टेटमेंट, शी वॉज वेरी गुड लुकिंग. तो हाँ, जैसे कि एक एल्डरली ने कहा था कि यू आर नॉट लुकिंग सो बैड, यू कैन मैरी अ जेंटल रिच मैन, जैसे कि उन्होंने कहा था. तो इसका मतलब यही है कि शी वॉज ब्यूटिफुल, है ना? तो यहाँ पे भी आपको एक टिक लगाना है. नेक्स्ट, शी वॉज टैलेंटेड. सो येस, ऑफकोर्स शी वॉज टैलेंटेड बिकॉज शी इज हैविंग अ ग्रेटर इंटेलेक्ट. उसकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी थी, इसलिए वो टैलेंटेड थी. ओके, यहाँ पे भी एक छोटा सा टिक मार्क लगाएंगे. नेक्स्ट सेंटेंस है शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो फियरलेसली सारे क्वेश्चंस का आंसर कर रही थी, सारे क्वेश्चंस को बहुत ही कॉन्फिडेंट से आंसर कर रही थी. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यस, शी वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट, शी वॉज़ नॉट फिट टू बी इन अ कंपनी ऑफ स्कॉलर्स. नहीं, ये गलत बात है. यहाँ पे आप क्रॉस का साइन लगाएंगे, इसका मतलब होता है कि वो स्कॉलर की कंपनी में फिट नहीं होती. ऐसी बात नहीं है, जस्ट बिकॉज वो एक लेडी हैं इसीलिए वो फिट नहीं हो रही थी, राइट? तो यहाँ पे क्रॉस का मार्क लगाएंगे. और ये सेंटेंस जो है आपको इस स्टोरी में कहीं भी नहीं मिलेगा. ओके, शी कुड मैरी अ रिच पर्सन. बिल्कुल, एक एल्डरली ने ये बात कही थी कि वो एक रिच पर्सन से शादी कर सकती हैं. तो यहाँ पे एक छोटा सा टिक मार्क लगाएंगे. अगेन, शी वुड फील अनकम्फर्टेबल इन द कंपनी ऑफ मैन. तो ये बात भी हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी. तो यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस आप मार्क करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंप्लीट द ग्रीड विद सूटेबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टोरी. यू मे चूज द वर्ड गिवन इन द बॉक्स वन हैज बीन डन. ओके, आपको एक टेबल दिया हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. आपको ये बताना है कि नेक्स्ट कॉलम में
हु सेड लिखा है, किसने कहा था, एंड वॉट डू दीज वर्ड शो अबाउट द स्पीकर, ये जो स्पीकर है उसके बारे में क्या बताता है. ओके तो पहला सेंटेंस रीड करते हैं जो है, अ वुमेन कांट सिट ऑन द स्कॉलर्स पैनल अनलेस शी इज अकम्पेन्ड बाई अ मैन. जैसे कि हमने सुना था ये किसने कहा था, किंग ने कहा था, और ही इज प्रेजुडाइज्ड, वो एक बहुत ही ऐसी बात कर रहे थे. ओके तो यहाँ पे जो किंग थे थोड़े बायस थे, प्रेजुडाइज मतलब थोड़े पक्षपाती थे. तो वहाँ उन्होंने कहा क्या कहा था कि एक महिला जो है वो इन स्कॉलर पैनल में नहीं बैठ सकती जब तक वो किसी पुरुष के साथ आई हो या कोई पुरुष उसके साथ आया हो उसको सपोर्ट करने के लिए. ओके तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था, ये आपको बुक में करके दिया है, बाकी के रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स यू हैव टू कंप्लीट. ओके तो सेकंड स्टेटमेंट है, पार्डन मी योर ग्रेस बट आई वॉज इन्वाइटेड टू ज्वाइन द डिस्कशन. तो ये ऑफकोर्स किसने कहा था, ये उस लड़की ने कहा था, और जिस तरीके से और जिन शब्दों का वो यूज़ कर रही थी, इट शोज़ कि शी इज़ वेरी पोलाइट एंड कॉन्फिडेंट. इसे हम हम्बल भी लिख सकते हैं. ओके नेक्स्ट सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस इज बट आई डोंट थिंक अ वुमन कैन जॉइन द डिस्कशन. ये किसने कहा था, अ वुमन फ्रॉम द ऑडियंस, ये कहा था उन्होंने कि मुझे नहीं लगता कि एक औरत इस डिस्कशन को ज्वाइन कर सकती है. क्यों? बिकॉज शी इज़ कंजर्वेटिव. क्योंकि वो क्या थी, कंजर्वेटिव थी या नैरो माइंडेड थी, हम ये भी कह सकते हैं. चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं कि और कौन कौन से सेंटेंसेस हैं, और उसमें हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किसने कहा और उस समय वो जो स्पीकर था वो किस तरीके के भावों को दर्शा रहा था. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, सो बाई ज्वाइनिंग द डिस्कशन वॉट डू यू वॉन्ट टू प्रूव, दैट वुमेन आर बेटर देन मैन. तो ये किसने कहा था कि by joining the discussion, इस discussion को join करके आप ये prove करना चाहती हैं कि जो औरतें हैं या महिलाएं हैं वो पुरुषों से बेहतर है. ये एक elderly scholar ने कहा था, और उस समय वो बहुत ही arrogant था, यानी बदतमीज़ी से behave कर रहा था, right? Next sentence है, may I ask who wrote those hymns? यहाँ पे ये लड़की ने पूछा था, तो first आप उसमें कॉलम में लिखेंगे द गर्ल, है ना, और यहाँ पे शी इज़ ब्रिलियंट. जस्ट बिकॉज शी इज़ ब्रिलियंट उसने पूछा था कि ये जो आप कह रहे हैं कि हमारे हिम्स में लिखा है, एंसेस्टर्स ने लिखा है, तो ये कहाँ लिखा हुआ है ना, कि जो लड़कियों का इंटेलेक्ट है वो पुरुषों की अपेक्षा कम होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. वाई इज़ फीमेल इंटेलेक्ट वीकर देन अ मेल, ये अगेन पूछा था किंग ने, राइट, एंड ही वॉन्ट्स टू नो द ट्रूथ. वो एल्डरली स्कॉलर से पूछना चाह रहे थे कि आप प्लीज़ अपनी बात को प्रूव करिए कि क्यों एक फीमेल का इंटेलेक्ट जो है वो एक मेल के इंटेलेक्ट से कम होता है. अगेन नेक्स्ट सेंटेंस इज, आई नीड टू स्टडी योर ग्रेस टू कम अप विद एन एग्जाम्पल. ये बात हुई थी जब एल्डरली स्कॉलर ने किंग को कहा था कि सर मुझे इस चीज़ को प्रूव करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, मुझे कुछ पुस्तकों को रीड करना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं एक अच्छे से एग्जांपल के साथ सामने आ सकता हूँ. तो ये किसने कहा था, एक एल्डरली मैन ने कहा था या स्कॉलर ने कहा था हम कह सकते हैं, और यहाँ पे वो कॉन्फिडेंट नहीं था, एट दैट टाइम ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, राइट. ओके नाउ लास्ट स्टेटमेंट, यू आस्क टू मेनी क्वेश्चंस गर्ल, अगेन ये किसने कहा था, अगेन वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे, इरीटेट हो गए थे गर्ल के ऊपर, तो अगेन किसने कहा था, एलर्ली स्कॉलर ने कहा था, और साथ में वो इसीलिए कहा था क्योंकि एट दैट टाइम वॉज इरीटेटेड. अगेन नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट, लेट्स चेक इट आउट फ्यू क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम ए टेक्स्ट बुक. पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द अबव अटरेंस एक्चुअल वर्ड स्पोकन डू यू सपोर्ट एंड वाई. तो अभी तक हमने जितने भी स्पोकन वर्ड्स अभी हमने टेबल में पढ़े, तो ये क्वेश्चन है कि किसको सपोर्ट करते हैं एंड क्यों. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बात कही गई है कि ये हिम्स में लिखा है कि फीमेल का इंटेलेक्ट जो है मेल के इंटेलेक्ट से कम होता है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है. लेकिन एक बात तो बिल्कुल सही है,
कि हमें किसी को भी केवल उसके अटायर से, उसके प्रेजेंटेशन से जज नहीं करना चाहिए. लेट देम प्रेजेंट देमसेल्व्स, है ना, उनको प्रेजेंट करने का मौका देना चाहिए ताकि उनके जो स्किल्स हैं वो हमारे सामने आ सकें, राइट. तो यहाँ पे ये आंसर हो सकता है. आगे क्वेश्चन कहता है कि व्हाई डिड द एकेडमी सेंड द गर्ल टू द कॉन्फ्रेंस. यस, जस्ट बिकॉज, क्योंकि एकेडमी जानती थी कि दिस गर्ल वॉज द ब्राइटेस्ट, दिस गर्ल वॉज द ब्राइटेस्ट वन फ्रॉम देयर एकेडमी. ये जो गर्ल थी वो उनके एकेडमी की सबसे ब्राइट स्कॉलर थी, राइट. ओके, Why did the king invited scholars and philosophers from all over the world? अब बहुत ही ईजी सा सवाल है ये कि जो king था उसने पूरे विश्व से सारे scholars को क्यों invite किया था? Just to क्या करने के लिए? उन्होंने इसे invite किया था कि जितने भी ज्ञान की चीज़ें हैं उनका extract वो निकाल सकें और साथ ही उसको compile करके एक book में वो लिख सकें, राइट. उसके बाद है, हाउ डिड द गर्ल जस्टिफाई हर प्रेजेंस इन द ऑडिटोरियम. तो गर्ल ने किस तरीके से जस्टिफाई किया था? उन्होंने ये सिद्ध किया था कि येस, देर इज अ नो एग्जाम्पल इज देयर एंड देर इज नो वन हैज प्रूव दैट द गर्ल इज हैविंग और द फीमेल इज हैविंग अ वीकर इंटेलेक्ट देन अ मेल इंटेलेक्ट. एंड बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रूव्ड हरसेल्फ इन द ऑडिटोरियम. उन्होंने क्या किया था? बहुत सारे स्कॉलर्स के बहुत सारे सवालों का जवाब दे करके अपने आप को उन्होंने प्रूव कर लिया था. वॉट मेड द किंग सपोर्ट द गर्ल इन द एंड. वेन गर्ल सेड दैट प्लीज शो मी द हिम दैट सेज कि गर्ल इज हैविंग अ फीमेल इज हैविंग अ वीकर इंटेलेक्ट देन मैन, और ये कहाँ लिखा है, प्लीज शो मी दैट बुक विद इन एग्जाम्पल. तो यहाँ पर जब एल्डरली स्कॉलर इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाता, इन द सेम पॉइंट जो है किंग उसके पक्ष में आ जाते हैं. एंड ही टोल्ड दिस एल्डरली स्कॉलर दैट कि टिल नाउ उसको क्या किया जाएगा, शी वॉज अलाउड टू ज्वाइन द पैनल इन द कॉन्फ्रेंस. ओके, नाउ वुमन हैव वीकर इंटेलेक्ट से द हिम्स, डू यू एग्री डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट. तो बिल्कुल सही बात है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो महिलाओं के पास बौद्धिक क्षमता जो है वो पुरुषों की अपेक्षा कम होती है. देखिए, कंपैरिजन की बात नहीं है, सब अलग बने हैं, ईश्वर ने सबको अलग बनाया है. हम किसी को देखकर जज नहीं कर सकते या जेंडर बायस होकर जज नहीं कर सकते. सबको अपनी कौशल को दिखाने का मौका मिलना चाहिए, है ना, और वो खुद अपने टैलेंट के थ्रू ये प्रूव करेंगे कि वेदर दे आर मेल और फीमेल, हु इज़ बेटर बिटवीन बोथ ऑफ देम, है ना. तो ये उनको ही हमें मौका देना चाहिए कि अगर कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है तो मेल और फीमेल में एज पर देयर टैलेंट दे कैन प्रूव देम सेल्फ, है ना, कि अपने टैलेंट को शो करें और प्रूव करें. ओके, आगे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होने के बाद हम वोकैबलरी में आते हैं और वोकैबलरी के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं. आइए, अगेन आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन मिल गया है. यहाँ पे आपको किस चीज़ को टिक करना है? क्वेश्चन है, टेक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हैं उसके करेक्ट मीनिंग वाले वर्ड को आपको टिक करना. तो पहला क्वेश्चन है, शी सरपास्ड हर फादर इन नॉलेज. सरपास्ड, बाईपास्ड, डिफीटेड और इक्वल्ड. तो उसने क्या किया था? अपने फादर को नॉलेज में थोड़ा सा हरा दिया था, इसे हम कहते हैं डिफीटेड. ओके, मूविंग टुवर्ड अनदर क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द किंग वॉन्टेड टू कंपाइल ऑल द नॉलेज. किंग क्या चाहते थे? कि पूरे ज्ञान को कंपाइल करके एक बुक बनाया जाए. क्यों? सेव, गैदर, शेयर. तो क्या रिलेट कर रहा है? गैदर, गैदर करके यानी इकट्ठा करके फिर उसको कंपाइल करेंगे और एक बुक में कन्वर्ट करेंगे. ओके, शी नोटिस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मेन बट हार्डली एनी वुमेन अमंग द डेलीगेट्स. उसने नोटिस किया कि एक बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पुरुष बैठे हुए थे लेकिन बहुत ही मुश्किल से कोई एक महिला भी वहाँ विद्यमान थी, क्योंकि उसके अलावा वहाँ पर कोई महिला विद्यमान नहीं थी उन सभी महारथियों के बीच में, राइट. तो यहाँ पे गेस्ट हैं, ऑडियंस हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. सो ऑल द स्कॉलर्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ देयर एकेडमी, राइट.
ठीक है, द किंग गेव अ लिटिल चकल। यहाँ पे जो लिटिल चकल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, थोड़ी छोटी सी स्माइल दी थी या छोटा सा लाफ हुआ था, तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। नॉड मतलब सिर हिलाना होता है, क्राई मतलब रोना होता है, लाफ मतलब हंसना होता है। तो इसे आप आंसर जब इसका टिक करेंगे तो लाफ को टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट, देवर श्योर दैट द गर्ल विल बी ह्यूमिलिएटेड बाय स्कॉलर। ह्यूमिलिएटेड का मतलब होता है इग्नोर्ड, प्रेस्ड और इंसल्टेड। ऑफ कोर्स ह्यूमिलिएटेड का जो वर्ड मीनिंग होता है वो है इंसल्टेड, मतलब वो लोग श्योर थे, मतलब बाकी के जो स्कॉलर्स थे वो श्योर थे कि ये जो लड़की है वो कहीं ना कहीं इन स्कॉलर्स के बीच में बहुत इंसल्ट फील करेगी। ओके, इफ द स्कॉलर्स हैव ऑब्जेक्शन दे कैन डिबेट विथ हर। ये स्टेटमेंट है कि अगर स्कॉलर को इसके साथ ऑब्जेक्शन है, प्रॉब्लम है, या वो नहीं चाहते कि ये यहाँ रहे, तो वो इनसे क्या कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, राइट। तो डिबेट का मतलब क्या होता है, आर्ग्यू होता है, फाइट होता है, टॉक होता है। आर्ग्यू मतलब होता है कि बहस करना, जो कि वाद विवाद का ही एक पार्ट है। फाइट का मतलब होता है झगड़ा करना, और टॉक का मतलब होता है बातें करना। तो सही कौन सा है, ऑफकोर्स यहाँ पे आर्ग्यू बिल्कुल सही है। तो इसके बाद नाउ हम मूव करते हैं ग्रामर पोर्शन पे, और आइए देखते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या हैं, और उसके बाद उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। रीड द फॉलोइंग। सो नाउ द गर्ल हैड इनफ टाइम इन हर हैंड्स एज हर फादर वॉज a teacher. She joined her father's academy. There she learned several hymns and their meanings. She asked her questions and learned even more. Soon, she surpassed her father in knowledge. As it happened, the king wanted to compile all the knowledge in the universe into books. To get the inputs, he had invited scholars and philosophers from all over the world. So, here is the paragraph where you can see the words in italic are finite verbs, right? So, what do you mean by finite verbs? They change with number and person of the subject. They also reflect tense, may consist of one or more than one word. To compile and to get are non-finite verbs. They are called, they do not change with number and person of the subject. They do not reflect tense. So, जैसे कि अभी हमने जाना कि finite verbs वो होते हैं जहाँ कि हम जो कि numbers को change कर सकते हैं members और person के लिए, ठीक है, subject के relation में अगर हम कहें। और non-finite verb क्या हो सकते हैं, simply अगर आप इसको याद रखें, जब किसी भी verb के आगे अगर उसका first form में है और उसका form change नहीं हुआ है second या third, but उसके आगे to लगा हुआ है, तो simply उसको याद रखिए कि non-finite verb में आएगा। चलिए इस छोटे से सिंपल से ट्रिक को, ट्रिक की हेल्प लेते हुए हम क्या करते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड पिक आउट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक सेंटेंस लेंगे और सभी में से फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब करेंगे, ठीक है। तो पहले सेंटेंस रीड करते हैं। पहला सेंटेंस कहता है, गर्ल्स वेयर टॉट to cook, to take care of the family and then married off. Studying was off limits to girl. ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि girls को सिखाया जाता है खाना बनाना और लोगों की देखभाल करना, किस लिए, उनकी फैमिली के लोगों की देखभाल कर सके, and they married off. उसके बाद उनको क्या कर दी जाती है, उनकी शादी कर दी जाती है, right? Studying are off limits of girls, क्योंकि जो पढ़ाई है वो उनकी लिमिट के बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले जिन वर्ब, वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया, ठीक है, क्रिया, खाना बनाना, नहाना, खेलना, इंग्लिश में हम कह सकते हैं कुक, टेक केयर, मतलब जो काम हम कर रहे हैं, तो जिस क्रिया के सामने टू लगा है हम उसको पहले लेते हैं और उसको हम मेंशन कर देते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के लिए, ठीक है। तो इस सेंटेंस में टू कुक एंड टू टेक केयर ये दोनों नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। अब टॉट एंड मैरिड,
बेसिकली अगर हम इन दो चीज़ों को लें, ठीक है, वर को साथ में ले सकते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब की तरह आ रहा है, तो ये वर एज ए हेल्पिंग वर्ब, टॉट एक वर्ब है सिखाना, टीच टॉट टॉट थर्ड फॉर्म में आ गया, राइट, मैरी मैरिड मैरिड अगेन सेकेंड या थर्ड फॉर्म में, राइट, तो ये जो है इनका फॉर्म चेंज हो गया है, तो ये किस में आएंगे, फाइनाइट वर्ब्स में आएंगे। और नॉन फाइनाइट वर्ब में देखा आपने कि जो वर्ब है मतलब कुक टेक केयर, ये फर्स्ट फॉर्म में ही है और इनके आगे क्या ऐड हो गया है, टू ऐड हो गया है। ओके, सेकेंड सेंटेंस की ओर आगे चलते हैं। सेकेंड सेंटेंस इज इन दोज टाइम्स देयर लिव्ड अ गर्ल, शी वॉज अ लिटिल डिफरेंट, शी ऑलवेज हैड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन हर माइंड। ओके, यहाँ पे अगेन आप देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है वॉज, लिव्ड ये भी एक वर्ब है रहना, जो कि लिव लिव्ड लिव्ड हो गया सेकेंड या थर्ड फॉर्म में आप कह सकते हैं, और उसके बाद हैड ये भी क्या है, हैज हैड हैड, ओके ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सारे आप देख रहे हैं थर्ड फॉर्म में जा रहे हैं और इनके सामने टू नहीं लगाया, तो ऑफकोर्स ये कौन से वर्ब होंगे, ऑफकोर्स ये फाइनाइट वर्ब्स होंगे। और इस सेंटेंस में कोई भी ऐसा वर्ब नहीं है जिसके आगे क्या लगा है, टू लगा है, तो यहाँ पर कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन शी वॉज लिटिल हर मदर वॉन्टेड हर टू लर्न कुकिंग, जब वो छोटी थी उनकी माँ चाहती थी कि वो क्या सीखें, कुकिंग करना यानी खाना बनाना सीखे। अगेन वॉज जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्या हो गए, फाइनाइट वर्ब में आ गए, राइट। और उसके बाद अब वॉन्टेड भी क्या है, वॉन्टेड मतलब चाहना, तो ये भी क्या है, फाइनाइट वर्ब है। अब टू लर्न, लर्न वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसके आगे क्या लगा है, टू लगा है ना, तो ये क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब। अगले सेंटेंस को फिर से जानने की कोशिश करते हैं। द गर्ल आस्क्ड हर मदर, आस्क्ड लड़की ने अपनी माँ से पूछा, तो वर्ब क्या हुआ, आस्क्ड, ये भी थर्ड फॉर्म में है, तो ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। अब वाई शुड आई लर्न टू कुक, मुझे क्यों कुकिंग करना सीखना चाहिए, अगेन टू कुक, कुक जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और साथ में उसके क्या लगा है, सामने टू लगा है, तो ये क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब। आगे मदर सेड सो दैट यू कैन फीड योरसेल्फ व्हेन रिक्वायर्ड, है ना, मदर सेड माँ ने कहा कि तब तुम क्या कर पाओगी, अपने आप को अपना खाना खुद बना पाओगी या अपने लिए खाना खुद बना पाओगी जब भी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे सेड फीड रिक्वायर्ड आप सब देख रहे हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये ऑटोमेटिकली फाइनाइट वर्ब्स के अंदर ही आएगा, यहाँ किसी भी वर्ब के आगे टू नहीं लगा है और वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में नहीं है, आप देख रहे हैं। ओके, द गर्ल सेड फेयर इनफ एंड लर्न टू कुक, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेड एंड लर्न, ये वर्ब के थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया, अगेन टू कुक लिखा हुआ है, कुक फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का एंड उसके सामने टू लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब। लास्ट वन है, आफ्टर सम टाइम्स हर मदर वॉन्टेड टू टीच हर हाउस होल्ड वर्क, कुछ समय बाद उनकी माँ चाहती थी कि उनको क्या कर सके, हाउस होल्ड वर्क दे सके, तो वॉन्टेड जो है वो फाइनाइट वर्ब में आ जाएगा, अगेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, टू टीच जो है आप देख रहे हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के सामने टू लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। आई होप आपको ये नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब में डिफ्रेंशिएट करना आ गया होगा और इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ग्रामर सेक्शन, कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट द क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट, द फोक्स एंड द गोट एक स्टोरी दी हुई है और आपको एक अप्रोप्रिएट वर्ब जो है, जो हेल्पिंग बॉक्स में आपको वर्ब दिया है, उसको अप्रोप्रिएट फॉर्म में लिखना है। चलिए देखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो सेंटेंसेस आर हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। वंस अ फॉक्स वॉज रोमिंग अराउंड in the dark, unfortunately he fell into a well, he tried his level best, यहाँ पे fill up में आप लिखेंगे to get,
टू गेट आउट बट ऑल इन वेन. सो ही हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट टू रिमेन देयर टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग. द नेक्स्ट डे अ गोट केम दैट वे. शी पीप्ड, पीप को पीप्ड कर देंगे यहाँ पे, इन टू द वेल एंड सॉ द फॉक्स देयर. द गोट अगेन आस्क को टू आस्क नहीं लिखेंगे, आस्क्ड लिखेंगे. आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग देयर मिस्टर फॉक्स. द स्लाई फॉक्स रिप्लाइड आई केम हियर टू ड्रिंक वाटर. ड्रिंक नहीं लिखा यहाँ हमने, टू ड्रिंक पानी पीने के लिए आया हूँ. राइट, के लिए जब भी होगा, खाना बनाने के लिए, साथ में रहने के लिए, कुछ करने के लिए वाले, जब हिंदी में आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो जब भी के लिए की बात आएगी तो टू लगाएंगे सब. ठीक है. इट इज़ द बेस्ट आई हैव एवर टेस्टेड. कम एंड सी फॉर योरसेल्फ. विदाउट थिंकिंग इवन फॉर अ वाइल द गोट जम्प्ड, है ना, गोट जम्प्ड इन टू द वेल टू क्वेंच हर थर्स्ट. वो अपनी प्यास को बुझाने के लिए. ओके, देन शी लुक्ड फॉर अ वे टू गेट आउट बट जस्ट लाइक द फॉक्स शी ऑल्सो फाउंड हर सेल्फ हेल्पलेस टू कम आउट. तो इस स्टोरी की अभी मीनिंग समझ लेते हैं. तो हुआ यह है कि एक बार एक फॉक्स जो है वो जंगल में घूम रहा था अंधेरे में. राइट, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ही फेल इन टू द वेल, वो एक कुएं में गिर गया. ही ट्राइज इट लेवल बेस्ट, वो बहुत कोशिश किया, बहुत अपने पूरा 100% दिया उसने टू गेट आउट बट ऑल इन वेन, ताकि वो उस वेल से बाहर आ सके, बट सारा व्यर्थ हो गया था. सो ही हैड नो अनदर अल्टरनेटिव बट उसके पास और कोई चारा नहीं रह गया था, लेकिन टू रिमेन देयर टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग. लेकिन उसे वहीं तब तक रहना था जब तक कि कल की नई सुबह नहीं होती. राइट, अगली सुबह नहीं होती. द नेक्स्ट डे अ गोट केम दैट वे. वहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, एक बकरी आती है. शी पीप्ड, वो झांकती है इन टू द वेल. वो किस में झांकती है, वेल में झांकती है. एंड सॉ द फॉक्स देयर, और वहाँ पे किसको देखती है, उस फॉक्स यानी लोमड़ी को देखती है. द गोट आस्क्ड, गोट पूछती है कि व्हाट आर यू डूइंग देयर, तुम वहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर फॉक्स. द स्लाई फॉक्स रिप्लाइड, जैसे कि आप जानते हैं जो फॉक्स होते हैं वो बहुत चतुर होते हैं, धूर्त तो होते हैं. दूसरों को मूर्ख बनाना उनका बहुत बड़ा जो है क्वालिटी होता है हम कह सकते हैं. तो इसलिए स्लाइक वर्ड, उसने उसे मूर्ख बनाते हुए कहा कि आई केम हियर टू ड्रिंक वाटर, मैं यहाँ पानी पीने के लिए आया हूँ. इट इज़ द बेस्ट आई हैव एवर टेस्टेड, ये यहाँ का सबसे मीठा सबसे अच्छा पानी है, और ऐसा पानी मैंने कहीं भी कभी भी टेस्ट नहीं किया है. कम एंड सी फॉर योर सेल्फ, तुम खुद आ कर के देख लो. विदाउट थिंकिंग इवन फॉर अ वाइल, बिना सोचे समझे एक सेकेंड के लिए भी, द गोट जम्प्ड, उस गोट ने क्या किया, जम्प कर दिया इन टू द वेल. कहाँ, किस में, उस वेल यानी कुएं के अंदर. टू क्वेंच हर थर्स्ट, ताकि वो अपनी प्यास को बुझा सके. अपनी प्यास को बुझाने के लिए क्या किया उसने, उस वेल में जंप कर दिया. ओके, देन शी लुक्ड फॉर अ वे टू गेट आउट, लेकिन वो फिर रास्ता खोजने लगी कि वो किस तरीके से बाहर आएगी. बट जस्ट लाइक द फॉक्स, लेकिन फिर उसी फॉक्स की तरह शी ऑल्सो फाउंड हर सेल्फ हेल्पलेस, वो उस फॉक्स की तरह अपने आप को हेल्पलेस महसूस करने लगी. ऐसा महसूस करने लगी कि अब वो कुछ नहीं कर सकती, उसे वेट करना पड़ेगा टू कम आउट, ताकि वो किसी भी तरीके से बाहर आ सके. आगे का पोर्शन देखते हैं, आगे क्या कहता है. देन द फॉक्स सेड आई हैव एन आइडिया, यू स्टैंड ऑन योर हिंड लेग्स. फॉक्स कहता है मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है, तुम क्या करो, अपने पीछे के पाँव पे खड़े हो जाओ. आई Climb on your head and get out. और मैं तुम्हारे सिर पर चढ़ के क्या करूँगा, इस वेल से बाहर चला जाऊँगा. Then I shall help you
कम आउट टू, और उसके बाद मैं तुमको मदद करूँगा ताकि तुम यहाँ से बाहर निकल सको। द गोट वॉज इनोसेंट इनफ, जो गोट थी या बकरी थी वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट थी, मतलब उसे धूर्तता उसकी समझ ही नहीं पाई, वो बहुत ही सीधी सीधी, राइट। टू अंडरस्टैंड द श्रूडनेस ऑफ द फॉक्स, वो उस फॉक्स की, टू अंडरस्टैंड लिखेंगे अगेन यहाँ पे, उसकी धूर्तता को समझने के लिए बहुत ही इनोसेंट थी, बहुत ही सीधी थी, राइट। एंड डिड एज द फॉक्स सेड, और जैसे कि फॉक्स ने कहा था, एंड हेल्प हिम गेट आउट ऑफ द वॉल, और वो ऐसा सोच रही थी कि ये ऐसा करने के बाद ये फॉक्स जो है उसे हेल्प करेगा ताकि उस वो वेल से बाहर निकल सके। वाइल वॉकिंग अवे द फॉक्स सेड, हैड यू बीन इंटेलिजेंट इनफ यू वुड नेवर हैव गॉट इन विदाउट सीइंग हाउ टू गेट आउट। वो कहता है जाते जाते कि अगर तुम इतनी चतुर होती या उतनी बुद्धिमान होती कि इससे कूदने से पहले ये तो सोच लेती कि इससे बाहर आओगी कैसे। तो लास्ट वाले फिलअप में आपको टू गेट लिखना है, राइट। तो ये इस तरीके से हमने इस लेसन के सारे वर्क को कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो नाउ हियर आई एंड दिस लेसन, होप वी विल मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।